बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इमरान सर फ्रॉम एफईआई और दिस इज क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 डिवोशनल पाथ टू डिवाइन। दिस इज द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कहा जाता है कि 8th सेंचुरी जब मेडिवल पीरियड शुरू हुआ, उसी वक्त अगर हम बात करें, उसी पीरियड में दो नए रिलीजियस मूवमेंट इमर्ज हुए इंडिया में, सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट। तो अगर हम बात करें, ये दोनों मूवमेंट जो इमर्ज हुए थे, इनका मानना था कि डिवोशन या हम जब गॉड को मानते हैं, लव करते हैं, इबादत करते हैं, तो उसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए अमीर और गरीब के बीच में, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में। तो दोनों ही मूवमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज थी और काफ़ी ज़्यादा ये मूवमेंट जो है पूरे मिडिवल इंडिया में चले और इनके बहुत सारे फॉलोवर्स वगैरह बने। उसके बाद अगर हम बात करें आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, तो पहले लोग क्या करते थे, वो अलग अलग इलाकों में रहते थे, जिनको किसी रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में पता नहीं था, जिनको कोई प्रीस्ट वगैरह नहीं सिखाता था, तो वो अपने अपने हिसाब से अपने गॉड्स गॉडेस को मानते थे। लेकिन जब धीरे धीरे लोग एक दूसरे के नज़दीक आने लगे, ट्रेड के जरिए टाउन्स वगैरह बनने लगे, एम्पायर्स बनने लगी, तो ये आइडियाज अब बदलने लगे। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक और चीज सामने आई कि सारे इंसान जो है इक्वल नहीं है। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी कहा था कि जो ब्राह्मणिकल आइडियाज है, उन्होंने हिंदुइज्म को चार बड़े कास्ट में डिवाइड किया गया था, वर्ण सिस्टम में, जैसे कि मैंने कहा था ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज, जिसमें अपर एंड लोअर कास्ट इंक्लूड किए गए थे, और उसके बाद अनगिनत कास्ट बनते चले गए। इसके बाद सुप्रीम गॉड का भी यहाँ पे कंसेप्ट आया लोगों के जहनों में, क्योंकि अगर हम बात करें अब मिडिवल पीरियड में नए गॉड्स गॉडेस को लोग पूजा करने लगे थे, जिसमें से शिवा, विष्णु, दुर्गा वगैरह आते थे। नई जो हम रिलीजियस मूवमेंट से भक्ति मूवमेंट के, वो शुरू हुए नया नारस एंड अलवारस। तो ये नया नारस क्या थे, इनमें से सोसाइटी के हर एक शोबे से लोगों ने इसको ज्वाइन किया, इस नया नार को, जो कि लॉर्ड शिवा को मानते थे और इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस जो थी उसको शिविज्म कहा जाता था। तो इनमें से लोग जो थे वो पोर्टर्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स, यहाँ तक कि अनटचेबल से भी आए थे। ये जो नया नारस है, ये टोटल 12 है। और इसके अलावा अलवार, ये भी तमिलनाडु में ही शुरू हुआ था, इनके जो अलवार है, मतलब टोटल जो लीडर्स हैं इनके, वो 12 है, जो कि लॉर्ड विष्णु को मानते थे। दोनों ही ये जो नया नारस एंड अलवारस थे, इन्होंने ये भक्ति मूवमेंट शुरू किया वहां पे। ये काफी ज्यादा खिलाफ थे बुद्धिज्म और जैनिज्म के खिलाफ, क्योंकि ये पहले से ही हिंदू गॉड्स को मानते थे, जैसे कि मैंने पहले बात की है, शिवा और विष्णु को मानते थे, और ये समझते थे कि इन दोनों भगवानों, जैसे कि नया नारस समझते थे कि शिवा को इबादत करने से ही साल्वेशन मिलेगी, अलवारस का मानना था विष्णु को इबादत करने से ही साल्वेशन मिलेगी। साल्वेशन का मतलब होता है हमारी रूह जो है वो गुनाहों से पाक हो जाएगी अगर हम इन डीटीज की पूजा करेंगे, इन भगवानों की पूजा करेंगे। तो ये जो नया नार और अलवार थे, ये जो लोग थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और पोइम्स वगैरह वहां पे गुनगुनाते थे, जो इन्होंने खुद लिखी थी, जिसमें इन्होंने प्रेज तारीफें की थी अपने भगवानों की। और विलेज टू विलेज जब ये जाया करते थे, उसके बाद जब इनकी मौत का वक्त आया, तो जिन विलेजेस में ये मरे, तो वहीं पर इनके जैसे कि हम कह सकते हैं श्राइन्स वगैरह बनाई गई। तो जो वहाँ पे चोलाज एंड पांड्या किंग्स थे साउथ इंडिया के, उन्होंने ही इनकी श्राइन्स वगैरह को अच्छे खूबसूरत ढंग से बनाया वहाँ पे। भक्ति, तो यहाँ पे बहुत सारे फिलासफर्स थे भक्ति भक्ति मूवमेंट के, उनमें से यहाँ पे हम दो की बात करेंगे। एक का नाम था शंकरा, या इसको सिंपली आदि शंकरा भी कहते हैं। 8th सेंचुरी का ये पोइट फिलासफर था, जो कि एक हिंदू फिलोसोफर था, जो लॉर्ड शिवा को मानता था। कोची में इनका जन्म हुआ था और इनकी मौत जो हुई थी वो केदारनाथ में हुई थी। तो इनका जो आइडिया था, इट रेफर्स टू द आइडिया दैट द सोल
और आत्मन इज द सेम एज ब्रह्मन। इनका मानना था कि हमारी जो सोल है, आत्मा है, वो वैसी है जैसे कि एक ब्रह्मन होता है। तो बिल्कुल ही एक मतलब प्योर ब्रह्मनिज्म को सपोर्ट करता था, सपोर्टर ऑफ ब्रह्मनिज्म था। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा एक फिलोसफर था जिसका नाम था रामानुजा। ये रामानुजा और वैष्णविज्म से बिलोंग करता था, मतलब इसका मतलब लॉर्ड विष्णु को मानते थे ये। तो अगर हम बात करें पहले पहले ये भी इसी हिसाब में मतलब मानते थे कि ब्राह्मण जो है वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू अदर कास्ट इन इंडिया। मगर उसके बाद इनकी फिलॉसफी चेंज हुई। तो इन्होंने कहा देयर इज यूनिटी ऑफ ऑल सोल्स एंड देयर द इंडिविजुअल सोल हैज द पोटेंशियल टू रियलाइज आइडेंटिटी विद द ब्राह्मण। सारे सोल जो है, सारी आत्माएं जो है वो इक्वल है, यूनिटी में है। तो ये अगर किसी एक इंडिविजुअल की सोल उसको पता चले कि उसके अंदर कितनी मतलब शिद्दत है या किस तरह से वो अपने भगवान वगैरह को मानेगा, तो ब्राह्मण और उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये रामानुजा के थॉट्स थे या फिलॉसफी थी। इसके बाद तो जो बसवाना था ये काफी हम कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से। तो ये जो वीरशैविज्म है इसकी शुरुआत हुई इस तरह से कि जो तामिल भक्ति मूवमेंट थी या तामिल वर्शिप था, वो दोनों ही अगर हम बात करें मिलकर उन्होंने कर्नाटका में मिड 12th सेंचुरी में ये नया सिस्टम शुरू किया। तो ये अगर हम बसवाना वीरशैविज्म की बात करें तो ये लड़ते थे इक्वालिटी ऑफ ऑल के लिए। तो ये समझते थे कि यहाँ पे इंडिया में कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सभी कास्ट को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और जो वुमेन है उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये रिलीजियस रिचुअल्स के खिलाफ थे और आइडल वर्शिप के खिलाफ भी थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर हमारी नीयत ठीक है, हम किसी एक भगवान को मानते हैं, तो इसके लिए हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी मंदिर में जाए। क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि उस वक्त वो ऐसा पीरियड चल रहा था कि जब बहुत सारे मंदिरों में लोअर कास्ट या वुमेन को एंट्री नहीं दी जाती थी, इसीलिए उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया। कहा जाता है कि जो बसवाना थे ये कर्नाटका में ही पैदा हुए थे और जो स्पिरिचुअल ये बातें वगैरह करते थे ये कन्नड़ जबान में करते थे, क्योंकि कर्नाटका की जो मदर टंग है वो कन्नड़ जबान है और इनके फॉलोवर्स को लिंगायत कहा जाता था। अगर हम बसवाना की बात करें तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहीं पर ये पैदा हुए थे। और इनके बहुत सारे और भी साथी थे जैसे कि अलाम प्रभु, अका महादेवी वगैरह भी 12th सेंचुरी के सेंट्स में से आते हैं। इसके अलावा सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, तो बहुत सारे महाराष्ट्र से भी सेंट्स थे जिसमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सकुबाई और फैमिली ऑफ चोकामेला भी उसमें शामिल थी। तो विठाला, विठाला का मतलब होता है फॉर्म ऑफ शिवा। तो शिवा की फॉर्म को वो वहां पे पूजा करते थे, क्योंकि अगर हम बात करें जो शिवा या विष्णु है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग मूर्तियां इनकी बनाई गई है, अलग अलग नाम इनके रखे गए हैं। तो ये जो सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र थे ये अलग अलग लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो ये भी रिचुअलिज्म वगैरह को नहीं मानते थे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रिचुअल क्या होता है, ए सीरीज या सेरेमनी ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। जैसे कि जैसे ब्राह्मण ने कोई ऑर्डर दिया होगा, उसी हिसाब से कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करनी है या कोई फेस्टिवल मनाना है या किसी डीटी के लिए कोई कुर्बानी वगैरह देनी है, तो इसमें यही आते थे। फॉर एग्जाम्पल ये ब्राह्मण ने बनाया था यहाँ पे, इनका मानना था कि जो भी हिंदू लोग है अगर उनके यहाँ पे कोई जन्म लेता है, उनके यहाँ पे कोई मरता है, तो उसके लिए उनको पूजा करवानी होगी, दूसरा यज्ञ करवाना होगा। तो इन सभी चीजों के खिलाफ थे ये, और ये समझते थे कि कुछ लोग अपने आप को रिलीजियस मानते हैं तो, लेकिन दूसरी तरफ वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, डिफरेंसेस पैदा करते हैं, तो हम
उन रिलीजियस पीपल को नहीं मानते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें, ये लोग समझते थे कि अगर हमें भगवान को मानना है, उसकी पूजा करनी है, तो हम घर में भी कर सकते हैं। तो हमारा दिल जो है, हमारी बॉडी जो है वो टेम्पल है, और हमारा दिल जो है वो डीडी है, तो उसकी हम पूजा कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग जो थे, ये अपने रोजमर्रा का काम भी करते थे, घर का काम भी करते थे, या पैसे कमाने के लिए भी अलग अलग काम करते थे, लेकिन दूसरी तरफ काफी बेहतरीन सेंट्स भी थे। इसके अलावा नथपंथीज, सिद्धाज एंड योगीज। तो नथपंथीज एक्चुअली ये वेस्ट बंगाल और आसाम में ये रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इनके टोटल 9 नथ्स है। ये लॉर्ड नारायण को पूजते हैं। उसके अलावा दूसरे हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब होता है जो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जो एक ही जगह पे किसी गुफा वगैरह में या किसी खुली जगह में बैठते हैं और अपने गॉड को याद करते रहते हैं, उनका नाम जपते रहते हैं। तो अगर हम बात करें, जो सिद्धार्थ है, कहा जाता है कि उस आदमी को सिद्धि कहा जाता है जिसने हाई डिग्री ऑफ फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल परफेक्शन हासिल की हो, या जिसने अटेन की हो सिद्धि। इसके अलावा योगीज, जो हम योगा वगैरह इस वक्त देखते हैं आजकल, ये योगीज ने ही स्टार्ट किया था। कहा जाता है कि बहुत पहले जब लॉर्ड शिवा को साल्वेशन मिली थी, या जो वो माउंट जो एक पहाड़ था जिस पर उसको साल्वेशन मिली थी, उनके साथ कुछ साथी भी थे, तो उन्होंने इस योगा को मतलब स्टार्ट किया था। तो ये रिलीजियस मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुए इंडिया में, जिसमें नथपंथी, सिद्धार्थ और योगीज भी थे, जो अलग अलग तरीकों से पूजा करते थे, जो कि डिफरेंट था एज कम्पेयर टू जो ब्राह्मण पूजा करते थे, क्षत्रियाज वगैरह करते थे, उनसे ये डिफरेंट था। तो आइए इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में दूसरी चीजों पर भी हम बात करेंगे। अभी सूफिज्म भी रह गया है, अभी इसके अलावा बहुत सारे जैसे कि कबीर है, नानक है, उनके रिलीजियस मोमेंट्स की भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी बेहतरीन भक्तीज में से या भक्त में से एक थे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।